सबसे पहले हम सब के मानयोग दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। ये जीत उनकी जीत है, उनके द्वारा दिल्ली में कराए जा रहे कामों की जीत है। मैं राजेंद्र नगर विधानसभा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, एक एक वोट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। ये जीत उनकी जीत है। मैं आम आदमी पार्टी के उन सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा जो राजेंद्र नगर विधानसभा के अंदर दिन रात लगकर उन्होंने काम किया। जो लोग राजेंद्र नगर विधानसभा नहीं पहुंच पाए, उन्होंने सोशल मीडिया पे काम किया। जो लोग सोशल मीडिया पे भी नहीं पहुंच पाए, लेकिन अपने दिलों में भगवान को याद करके उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जीतनी चाहिए, उन ये जीत उन सभी कार्यकर्ताओं की जीत है। मेरे गांव में आज तक कोई जिला पंचायत सदस्य नहीं बना जी, विधायक तो बहुत दूर की बात है। उस गांव से आकर दिल्ली में आईएएस की तैयारी करने वाला एक लड़का आप लोगों के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करता है, अन्ना आंदोलन में जुड़ता है। आज एक साधारण सा आदमी जिसके अकाउंट में मात्र 5 लाख रुपए थे, आज वो आदमी विधायक बना, ये सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। बड़े साधारण लोग हैं यहाँ पे, जितने लोग हैं सबके सब बड़े साधारण लोग हैं। हमारी एक ही खूबसूरती है कि हम जनता से जुड़े रहते हैं, जनता के काम कराते हैं। मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इतनी ताकत दें, इतनी क्षमता दें, इतना अपना आशीर्वाद दें कि राजेंद्र नगर विधानसभा के जितने लोगों ने, सब लोगों ने जो आशीर्वाद दिया है, मैं उनके आशीर्वाद पे खरा उतर पाऊँ, इसकी आशीर्वाद दें मुझे। मैं अंत में एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि दिल्ली के लोग का भरोसा आपसे टूट चुका है। दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी से नफरत करने लग गए हैं। दिल्ली के लोग चाहते हैं कि दिल्ली एक ऐसी राजधानी बने जिससे पूरा हिंदुस्तान उसके ऊपर गर्व कर सके। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को ये चुनौती देता हूँ और ये निवेदन भी करता हूँ कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो MCD का चुनाव करा लो, दिल्ली आज़ादी चाहती है तुमसे।